पटना में महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा हुआ। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की इस रैली में अखिलेश यादव भी शामिल हुए। बिहार की इस रैली के जरिए विपक्ष ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। तेजस्वी यादव के तेवर भी दिखे और उनका तंज भरा अंदाज भी नजर आया। वहीं राहुल गांधी अपने पुराने फॉर्मूले पर ही मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव के बयान ने विवादों का नया सिरा खोल दिया है। जिस लालू यादव ने अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जनता से अपील की, लालू यादव ने तेजस्वी तेज प्रताप को मंच पर बुलाकर हाथ उठाकर जनता से दोनों के लिए आशीर्वाद मांगा। लालू यादव ने अपने भाषण के दौरान बेटी मीसा भारती रोहिणी आचार्य का जमकर बखान किया। उसी लालू यादव ने परिवारवाद का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी और बिहार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन की ये रैली इंडिया गठबंधन के लिए बूस्टर का काम करेगी? क्या यूपी बिहार में एनडीए को इस बार कांटे की टक्कर मिलेगी? क्या लालू के बयान इंडिया गठबंधन के लिए बैकफायर कर जाएंगे? देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहाँ से भी निकल करके जा रहा है। पीएम मोदी के बिहार से लौटे 24 घंटे भी नहीं हुए कि महागठबंधन के नेताओं ने बयानों के तोप खोल दी। मंच सजा पटना के गांधी मैदान में, जहां जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव ने 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के आरोपों पर पलटवार किया। कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी ताकत है। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। तेजस्वी के तेवर और तंज का तापमान थमने के काफी देर बाद लालू यादव ने माइक थामा। अरसे बाद किसी रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव जनसभा में शामिल हुए तो जाति का कार्ड खेलने से नहीं चूके। सियासी वार की जगह पीएम मोदी पर निजी पारिवारिक हमले भी किए, लेकिन वहीं अपने परिवार की जमकर तारीफ भी की, या यूं कहें कि तेजस्वी के लिए बैटिंग खूब की। लालू ने नीतीश पर भी अपनी भड़ास निकाली। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने अपने पुराने ढर्रे पर ही बयानों की बल्लेबाजी की। शुरुआत मोहब्बत की दुकान से हुई और उद्योगपति कर्ज माफी जाति के इर्द गिर्द घूमती रही। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार
और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की इस रैली में अखिलेश यादव भी विशेष अतिथि थे। अखिलेश ने यूपी के जरिए बिहार में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की भविष्यवाणी कर डाली। उत्तर प्रदेश 80 हराओं का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओं का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओं का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है, और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। 2019 लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 39 सीटें आई थी। आरजेडी का सूपड़ा साफ हो गया था, लेकिन इस बार आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन के जरिए इस बार लोकसभा चुनाव का समीकरण बदलने की तैयारी है, लेकिन एनडीए के चक्रव्यूह को तोड़ना भी बिहार में महागठबंधन के लिए आसान नहीं। एनडीए के लिए मोदी की गारंटी तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।